गोवर्धन की पूजा के लिए उन्होंने सोचा, भाई गोवर्धन को कैसे देव मानूं, कैसे सबसे देव मनाऊं, या तो हमारे मन के अंदर जागना चाहिए ना सबके अंदर। सब तो कह रहे भैया इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, तपद्युको हो भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन हम भगवान कृष्ण वृंदा में वन में रहकर अनेकों लीलाएं की उन्होंने। भगवान सर्वज्ञ हैं, सबको इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा ये किसकी पूजा कर रहे हो भाई बताओ। तो नंद बाबा बोलने लगे, भैया मेघों के स्वामी इंद्र के पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहना ये मेघ अगर इनकी पूजा आप नहीं करेंगे तो बारिश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, नंद बाबा ने कहा, नहीं बारिश तो नहीं होगी, जब इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बारिश कहां। तो कहने काम करो, आधे गोप हमारे पूजा कर दो भगवान उनके नंद इंद्र की, आधे को करो आधे न करो। तो क्या आधे के यहां पर बारिश करेंगे और आधे के नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। कहा ऐसा तो नहीं, कहा आप लोग प्रत्येक साल करते हो इंद्र की पूजा। तो नंद बाबा कहने लगे हाँ। अब सोचने लगे भगवान के, कहते नाना पुरो जनपदा ग्राम नगरी वयम नित्यम बने कष्टान बन हमारे पिताजी के पास में बहुत बड़ा राज्य है। नंद जी के पास तो कितनी गवे थे, बहुत समृद्ध भरी हुई थी। तो कह रहे थे भाई हर साल ये पूजा करें। तो नंद बाबा से कहने लगे, हमारे एक गिरधर हमारी गौवे के लिए तो हमेशा गाय गौ के चरने के लिए वे घास हरी हरी पैदा करते, तो उनकी पूजा क्यों नहीं करते, उनकी पूजा करो और वहां पर जाकर के इंद्र की पूजा नहीं करो। इंद्र की पूजा करना मना। तो कहने लगे तेरा गोवर्धन क्या करता है। कहें गोवर्धन मेरा आपने इतने दिनों से इंद्र की पूजा किया, कभी इंद्र तुझे का दर्शन दियो क्या। नंद बाबा कह रहे थे नहीं, इतने दिनों से हम पूजा कर रहे थे लेकिन उनका दर्शन तो नहीं मिला, कैसे है। कहे हमारे गोवर्धन का पूजन करो, वे अवश्य आपको दर्शन देंगे। गोवर्धन नाथ भी धन्य हो गए और भगवान की जयकार करने लगे, अरे प्रभु आपके चरण हमारे ऊपर पड़े। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, 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 जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम
तो भगवान कर्ण कहते हाँ वो तो दिखाई देंगे,
आपने इतने दिनों से पूजा किया उनका, कभी उनका दर्शन किया क्या? तो कहते थे ठीक है बेटा, हम गोपों से बोल देते हैं। सभी गोपों से जाकर के सूचना भिजवाई गई, नगाड़े बजाए गए कि भैया अब इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन भगनाथ की पूजा। पहले तो भाई यही था ना, सबके पास गौवे थी, गौवे चराते थे, माठा दूध खावे, कुछ थोड़ा मोटा महीन अन्न मिले उसको खाकर आनंद हो जाते थे, गौ की सेवा करते, सब अवधूत का वेश धारण कर। ऐसा अब जैसे वैभव चला है जगत में, सुंदर आसन चाहिए, सुंदर हर प्रकार के सुंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि अच्छे अलंकार चाहिए, ऐसा तो सभी को आदेश दिया गोपों को, गोपो सब को लेने लेने जल के मटका चलो और जाकर गोवर्धन नाद के ऊपर में जाकर के वहां पर जल डाल दो, गोवर्धन नाद को स्नान कराओ। चारों तरफ छप्पन भोग बनने लगे, नंद बाबा के यहाँ रसोइया छप्पन भोग बनाने लगे, नंद के ग्राम में हर घर में छप्पन भोग। भाई ऐसा प्रेम था पहले, जैसे रामावतार में भी देखेंगे ना, जब बराती गए, जब बराती जब वहां पर पहुंचे मिथिला में जब पहुंचे तो सोचते हैं कि भैया हम लोग तो यहाँ पर जनक जी के यहाँ पर मिथिला नरेश के यहाँ पर हम लोग बारात लेके आए हैं, कौन सा घर होगा उनका, समझ में नहीं आ रहा क्या था। सबके दरवाजे पर मंडप लगे, चांदनी बढ़िया लगी, सब विचलित हो गए, तुरंत देखकर विचलित हो गए और कहते किन्नी तनु ताना नितनु ताना लखी सबायान कूले, नितनु ताना लखी सबायान हमारे नवीन ठाकुर जी भाई बैठे हैं, उन पर थोड़ा संदेह न करें।
अभी बाराती लोग गांव घूम रहे हैं कि पट पट भोजन पावन गारी इतने प्रेम प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि राजा के लड़के को अपना लड़का समझते, राजा की बेटी को अपना बेटी समझते, ऐसा सब कोई आनंदित होने लगे हैं। वैसे ही हमारे गोवर्धन की जब पूजा होने लगी तो नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव हो रहा है, तो घर घर में छप्पन भोग बनाए जा रहे हैं, घर घर में छप्पन भोग तैयार हो रहा है कि कल भगवान का क्या है भोजन छप्पन तैयार हो रहे हैं ना भाई। अब तो घर घर में लड़के सोच रहे हैं कि भैया सब जाकर बच्चे अपनी माँ से कहते हैं माँ क्या बन रहा है, माँ कहती है बेटा छप्पन भोग तैयार हो रहा है। माँ के को खातिर बनाए हो तुम्हें छप्पन भोग, माँ कहती है अरे लाला कल गोवर्धन की पूजा हो ना, ये एक है इसलिए हम उनको बनाए हो रहे छप्पन भोग। चल देते हैं सब छप्पन भोग तैयार, राजस्व तो बलवंतन प्रूत्यम प्रहानि गच्छो प्रणेतान सिंधो। जब आपके अंदर उत्साह हो तो बड़ी पर्वत हो, खाई हो, समुद्र हो, सब इंसान लांग जाता है। हमारे तुलसीदास बिचारों देखिए पत्नी से मिलने के लिए एक मृतक शरीर पर विराजमान हुए और बड़ी बादों की नदी को पार हुए, घर के पीछे सांप लटका हुआ को लस्सी समझकर पत्नी से मिलने चले, आसक्ति मिलने की उत्कंठा प्रेम यदि सर्वोच्च भाव में अगर जागृत हो गया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई भी हो आपकी आंखों के आगे पट्टी बन जाएगी। सब लोग अपने सर पे लेकर के बड़ी बड़ी मटके लेकर के चल दिए हैं गोवर्धन नाथ को स्नान कराने के लिए। अब गोवर्धन नाथ के ऊपर जल डाले, सब मटके मटके डाले जा रहे हो। अब इंद्र को पता चल गया भाई अरे ये तो मेरी पूजा नहीं, ये तो गोवर्धन की पूजा लोग कर रहे हैं, अब क्या करूं मैं। इंद्र बोला अपने सभी बादलों को आदेश दिया कि इंद्र इंद्रस्यात्मनं पूजा इंद्रात्मनं पूजहं कुछ विज्ञान बृहतां गृही गोपे तकृष्णा तो नंद्या को अपने बेघोष से आदेश दिया अभी रुको, जब इनका पूजन हो जाए तो चारों तरफ तो लोग बारिश ही बारिश कर दो। अब सभी गोप ले जाकर मटके मटके डालने लगे। अब भाई गोवर्धन नाथ इतने 17 किलोमीटर की इर्द गिर्द के उनका क्या हुआ, सभी थक गए। वो आकर नंद बाबा से कहने लगे कि नंद बाबा आपकी इतने बड़े देव हैं अभी तो उनके मूछो गिरी ना हुई, हम लोग इतना मटके मटके डाल दिए। नंद बाबा कहने लगे कि बेटा तेरा कैसा गोवर्धन नाथ, पहले इंद्र को एक पंडित जी एक आचमनी जल डाल देते थे गोवर्धन तुरंत और इंद्र के ऊपर मूर्ति बना करके इंद्र भगवान स्नान कर लिया, अभी तो कितने हजारों मटके डाल दिए लेकिन तेरे गोवर्धन नाथ की थोड़ा एक शिला भी गिली ना हुई। भगवान कृष्ण ने कहा हमारे गोवर्धन नाथ बड़े दयालु हैं, उचित समय में मानसी गंगा वहां प्रकट हुई, उसी गिरधर से गोवर्धन नाथ में कहे भड़बड़ के स्नान कराओ, बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा का स्नान कराने लगे सब लोग और छप्पन भोग करके ले जाकर के रखने लगे। थोड़ी देर में भगवान कृष्ण ही वहां चतुर्भुज नारायण के रूप में विराजमान, भगवान कृष्ण में भोक्ता भी वही और वही पूजा करने वाले वही साधन वही सब सब कोई वही। भगवान कृष्ण कहने लगे देखो हमारे गोवर्धन नाथ यही है। अरे सभी गोपियां कहने लगी तेरे कैसे, अरे ये तो तेरे जैसा है लाला,
कहें कि हम तो जिस गाय की मैं दूध पीता हूँ उसी की हमारे गोवर्धन नाथ भी दूध पीते है, इसीलिए इनका शरीर और मेरा शरीर एक जैसा है। अब 56 भोग सब दिए जा रहे हैं, भगवान अखाजतो खाजतो परवा अभोक्ता नाम भोक्ता, जहाँ खाने को हो तो संसार उनमें समाया है, न खाने के लिए हो तो परमात्मा एक छोटा कण भी नहीं उनमें समाहित हो सकता। अब सब डाले जा रहे हैं, भगवान गप्पा गप गबड़े खुश हो रहे हैं गोप के, अरे भगवान आज तो जीवते 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 जा रहे हैं। सब कहने लगे अरे अरे बाबा, पहले तो हम लोग केवल इंद्र का भोग लगा करके आचमनी आम जलम कर देते थे, पंडित जी हो गया उसके बाद सब हम लोग खाते थे, अरे कुछ महाप्रसादी भी बचाओगे क्या? गोवर्धन नाथ ने थोड़ा तो उसके बाद उन्होंने भगवान खाना बंद किया, सबके लिए महाप्रसादी होगा। अब मेघों को आदेश दे दिया था, चारों तरफ से बिजलियां कड़कने लगी, चारों तरफ से घनघोर बादल बरसने लगे, बारिश होने लगी, प्रचंड तेज के गोले पड़ने लगे, ब्रज का कोना कोना जल से मग्न हो गया पूरा। 7 दिन तक वह वर्षा चलती रही। अब कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा, दौड़ दौड़ के गए, अरे बाबा ये वो बहुत बारिश हो रही है, चल तू ही उच्चारने का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा मैं जिस गोवर्धन नाथ की पूजा की उन्हीं से रक्षा मांगने के लिए चल रहा हूँ। भगवान गए और गोवर्धन नाथ को एक अंगुलिया पर धारण कर लिया, सभी आकर के उन्हीं की तलहटी में सभी गोप खड़े हो गए और सबने अपनी लाठी लगा दिया। भगवान के चरणों की रज पाते हैं गोवर्धन नाथ, धन्य हो गए। आज भगवान की कृपा अनन्य दिनों से हमारे अंदर में बैठे हैं। श्याम कैसे तुम्हारा चरण रजी मिले, श्याम कैसे तुम्हारा चरण रजी मिले, श्याम कैसे तुम्हारा चरण रजी मिले, कर कृपा तुम राधा जी प्रीति मिले, कर कृपा Thank you.
सभी गायों को अंदर करके भगवान कृष्ण खड़े हैं। वो कहते हैं कि लाला बहुत दिनों से तू अकेला लिया है, सब सोचे हम भी कुछ कर रहे हैं क्या। क्रतोहो जम कृताग अग्ने प्रदायक तू समाप्रितः। भगवान आदमी सोचता है भैया हम कर रहे हैं, हम करता नहीं, करता कोई है, हम तो केवल कर्म विभाव में है, हम तो उनके आदेशों का पालन के तहत चल रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। और सोचो कि कल हमको एक काम कर देना है, कुछ कुछ बाधा जरूर पड़ जाएगी अगर ऐसा तिरुपति हो जाओ। भगवान साधन वही, साध्य वही, कर्ता वही, कृत वही, कर्मों को सर्वाज्ञम पूजता जब का परमेश्वर। भगवान सभी जगत समावे फिरे हैं। सभी कहने लगे कि लाला अब तू थोड़ा विश्राम कर ले, हम लोग थोड़ा अपनी लाठी को और तेज करते हैं, गोवर्धन को पकड़ेंगे। भगवान ने हल्की अपनी कंगुरिया को ढीली किया, सबकी चट चट लाठी टूटने लगी। भाई अरे लाला बचाओ, लाला बचाओ, अब याद आ गया भाई संसार के सर्वश्रेष्ठ पांडव, सर्वशक्ति समन्वित सर्वशक्तिमान पांडव थे। द्रौपदी उनकी पत्नी, जब तक उनको घमंड था हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्म ध्वज स्वयं धर्मराज गदाधर हमारे स्वयं भी और गांडीवधारी अर्जुन जैसे महान रथी हमारे यहाँ है, तो हमको क्या डर है। एक दुशासन को तो एक गदा अगर भीम हमारा मार देंगे तो तुरंत इसका चंगा शुरू हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन सर्व बंधन से बंधे हुए हैं, अब क्या करें, बंधन से बंधे। तब तक उनकी लाज चली जा रही, जब सोचे कि कोई संसार में मेरा साथ नहीं देगा, तो जब भगवान को यात्रित जब हो गए, कहने लगे कि दुखिता घर हो यात्रा हरे हो पदार बिंदु हम तो सदा हे दुखहर्ता, भाव को प्रदान करने वाले परमात्मा कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए अब तो क्या आनंद है, दुशासन खींचे जितना खींचना हो, अपना सर 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 खींच रहा है, लेकिन साड़ी बढ़ती गई, अंत में उसका लाज बच गया। सभी को कांधा बचाओ, कांधा बचाओ, कांधा फिर से उंगली लगा लिया। मेघ बारिश करके थक गए, जब थक गए तो जाकर के कहने लगे कि प्रभु गोवर्धन की तलहटी में सब आकर के विराजमान हो गए। इंद्र को भी पता चला कि स्वयं नारायण हैं, अब उनसे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वयं इंद्र आकर भगवान कृष्ण से की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा कि विविप्त उपसंगस्य वीरकृत हेलना संसार के मालिक प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी गलती को माफ करें प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ करने वाले आप हो प्रभु, हम जान गए कि आप साक्षात भगवान नारायण ही हो। इंद्र बहुत लज्जित हुआ और सूर्य के समान चमकता हुआ अपना मुकुट भगवान के चरणों में रख करके भगवान कृष्ण को उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा हमारा घमंड जड़ से उखड़ गया। जो भी जगत में देवता रहा हो, या मानव हो या दानव, जिसके घमंड रहे भगवान सबके घमंड को चूर कर दिए हैं। और इंद्र भूल भूल भगवान की प्रशंसा करने लगा, देवता लोग सब लोग स्वर्ग से पुष्टि वर्षा किए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम।
सीख।